विधानसभा बजट सत्र के पहले ही दिन भाजपा कांग्रेस में हुई धक्का मुक्की पर अब सियासत और गर्माती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का विरोध अब सड़कों पर किया जा रहा है। एनएसयूआई ने रविवार को राजधानी शिमला में भाजपा के मंत्री और नेताओं का विरोध किया और चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई उपाध्यक्ष विनू मेहता ने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के साथ किया गया है वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि विरोध करना विपक्ष का एक संवैधानिक अधिकार है और ऐसे में कांग्रेस के 5 विधायकों को विधानसभा बजट सत्र से निलंबित करना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के दौरान कांग्रेस ने नहीं बल्कि विधानसभा उपाध्यक्ष और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, ऐसे में उन पर केस बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं पर झूठे केस बनाए गए हैं, ऐसे में जल्द से जल्द इन सभी झूठे केसों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं का घेराव करेगी। मैं विनू मेहता, हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई उपाध्यक्ष और हमीरपुर पार्लियामेंट्री इंचार्ज। इस प्रदर्शन के बारे में पता है? पहले तो मैं तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो समय समय पर एनएसयूआई की आवाज को, हिमाचल प्रदेश की आवाम की आवाज को इस तानाशाही सरकार के कानों तक पहुंचाने का कार्य करती है। मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी के माध्यम से पूरा हिमाचल प्रदेश और देश अवगत हुआ है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बैठी जो ये निकम्मी और कठपुतली सरकार है, जयराम ठाकुर जी की गुंडागर्दी वाली सरकार है, जिसने हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शर्मसार कर देने वाली घटना इन्होंने करी, जो इनके डिप्टी स्पीकर है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इन्होंने शरेआम गुंडागर्दी जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के जितने हमारे विधायक गण है उनके साथ जिस तरह से इन्होंने बेरहमी से धक्का मुक्की करी, जिस तरह से इन्होंने गुंडों का जो रोल इन्होंने निभाया, श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर है, उन्होंने जब सबसे पहले विधानसभा सत्र के अंदर गुंडागर्दी शुरू करी और लास्ट में जो हमारे पुलिस कर्मचारी है, हमारे पुलिस के जवान है, जो उनका कार्य बनता है, उनका कार्य भाजपा के वरिष्ठ नेता है, स्वयं मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी स्पीकर गुंडागर्दी पे उतर आए। आप देख रहे हैं साथ। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की आवाम को, एनएसयूआई आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रही है? एनएसयूआई इसीलिए कर रही है कि एनएसयूआई सड़कों पर लड़ेगी, हमेशा लड़ते आएगी, लेकिन विधानसभा में हमारे युवाओं की आवाज को बुलंद करने का जो जिम्मेवारी है हमारे विधायक गणों को है। हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी के समक्ष हमने छात्रों की जो समस्याएं उन समस्याओं को रखा था और हमने छात्रों के लिए रोजगार की मांग करी थी कि 14 लाख से भी ज्यादा जो हमारे छात्र साथी है आज बेरोजगार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में महंगाई चरम सीमाओं पे, हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो विधानसभा का आपका जो अभिभाषण है, जो एक भाजपा का एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, विजन डॉक्यूमेंट्स, उसको पूरा पढ़े, यही आग्रह करना चाहेंगे। साथ ही साथ एनएसयूआई आग्रह करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे विधायक गण है, हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, इनको जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। झूठे केस इनके ऊपर बनाना आप बंद करें। जिस तरह से आपने हमारे विधायक गणों के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आपने जो झूठे मुकदमे बनाए उनको आप वापस करें। मैं कहना चाहता हूं आवाम को, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा नजर आना जरूरी है। एनएसयूआई आज आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, एनएसयूआई का आज छोटा सा धरना प्रदर्शन इस प्रदेश सरकार और जयराम ठाकुर की गुंडागर्दी वाली सरकार को चेता देना चाहते हैं कि अभी तो एनएसयूआई ने शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन किया है, आने वाले कल परसों एनएसयूआई एक बहुत बड़े जन सैलाब के तौर पर आएगा और इनके घरों के आवाज का घेराव करेगा। हम चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर भी अपना इस्तीफा दे और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज भी, इन्होंने मर्यादा तोड़ी है तो ये भी इस्तीफा दे और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक गणों का, श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी का जो इन्होंने निलंबन किया उस निलंबन को वापस ले। यही मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और